पहली एक्सरसाइज जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं इसको बोलते हैं शोल्डर फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसमें दोनों हाथों को आप पकड़ के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको 10 रिपीटेशन करना है और 10 बार करना है। जब आपका कंधा जाम है तो आप जितना ऊपर हाथ को ले जा पाएँ उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे इसको नीचे लेकर आएँ। हाथ उठाने के समय आपको अगर थोड़ा दर्द हो रहा है उसको आपको बर्दाश्त करना होगा और उसके बाद धीरे धीरे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपका हाथ आज 100 डिग्री मूव हो रहा है ऊपर तो अगले दिन आप उसको कोशिश करेंगे 110 डिग्री मूव करने की। थोड़ा थोड़ा आपको उस रेंज को अपने आप मूवमेंट को बढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा सा पेन होगा एक्सरसाइज करने में बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ डैमेज कर रहे हैं, आपको ये एक्सरसाइज इसी तरीके से करनी है। दूसरी एक्सरसाइज होती है इसको बोलते हैं शोल्डर एबडक्शन। दोनों हाथों से आपको सर पे ताली बजाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो ये दिखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है उनको इस तरीके से हाथ ऊपर ले जाके क्लैप करने में खासा परेशानी महसूस होती है। तो जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है उनका टारगेट है कि इसी तरीके से जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इस वीडियो में ऐसे ही वो अपने आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएँ। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 रिपीटेशन और 3 सेट करना है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप एक पाइप या कोई भी स्टिक ले सकते हैं और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोनों एल्बो जो है शरीर के बिल्कुल पास में रहेंगी और उसके बाद आप रिस्ट को कलाई को अपनी एक बार दाईं तरफ और एक बार बाईं तरफ इस तरीके से आप इसको मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने में भी आपको थोड़ा सा कंधे में दर्द महसूस होगा। ये एक्सरसाइज अगर आपकी जितनी जल्दी बेटर हो जाएगी उतनी आपकी फास्ट रिकवरी होगी। आउट ऑफ ऑल द एक्सरसाइज सभी एक्सरसाइज में से ये एक्सरसाइज जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कंधा जाम होने की स्थिति में आपको ये बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज शोल्डर इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज। इसमें आप एक पाइप को पकड़ेंगे वो एक एंड से और दूसरे एंड से दूसरे हाथ से, ठीक है। राइट हैंड से जो हमने पाइप पकड़ा हुआ है उसको आप और नीचे से पकड़ सकते हैं या ऊपर से पकड़ सकते हैं, डिपेंड कि आप लेफ़्ट हैंड को कितना ऊपर ले जा पा रहे हैं। राइट हैंड का काम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड की मूवमेंट को हेल्प करने का है, ठीक है, असिस्ट करने का है। इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइज को एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी कहा जाता है। स्टिक की जगह आप एक टॉवल का यूज़ भी कर सकते हैं सेम एक्सरसाइज को करने के लिए, टॉवल के एक एंड को पकड़ के जैसे आप देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिंगर लेडर एक्सरसाइज। इसमें आप फिंगर को दीवार पे या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे जिसको फिंगर लेडर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। इस इक्विपमेंट को आप किसी भी वॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस इक्विपमेंट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा आपको ताकि आप इक्विपमेंट को अमेज़ॉन से आराम से परचेज कर सकें। कहीं से भी कर सकते हैं, अमेज़ॉन एक जनरल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इसको ईजिली कर सकते हैं। 10 रिपीटेशन 3 सेट्स धीरे धीरे आपको हाथ को ऊपर ले जाना है। इसका फ़ायदा क्या है, क्यों इस इक्विपमेंट की ज़रूरत है? कई लोगों के लिए साइडवेज हाथ उठाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें जब आप इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं तो एक फिंगर के सपोर्ट के साथ आप धीरे धीरे हाथ को आसानी से ऊपर उठा सकते हैं, इसलिए इस इक्विपमेंट की इम्पॉर्टेंस है। तो इनिशियल स्टेज में जब पेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या किसी भी स्टेज में जब पेन बहुत ज़्यादा है तो इस तरह का असिस्टेंस मिलने से आपके लिए एक्सरसाइज करना ईजी हो जाता है। जो लोग वॉल पे इस तरह की एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं अगर वो फिंगर लेडर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर पुली एक्सरसाइज। शोल्डर पुली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको वॉल पे लगाया जा सकता है और इसके साथ आप दोनों हाथों को जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ऊपर और नीचे बड़ी आसानी के साथ मूव कर पाते हैं। इसमें जो आपका ठीक हाथ होता है वो आपकी हेल्प करता है कि जो आपका अफेक्टेड हाथ है जो कंधा जाम है उसको आप आसानी से ऊपर उठा सकें, ठीक है। कोशिश आपकी यही रहनी है कि जहाँ तक आप हाथ उठा पा रहे हैं वहाँ तक अपने आप उठाएं और फिर दूसरे हाथ की मदद से ऊपर उठाएं। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज शोल्डर व्हील एक्सरसाइज। इसको 10 रिपीटेशन आपको आगे की तरफ मूव करना है, 10 रिपीटेशन आपको पीछे की तरफ मूव करना है। जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपकी बॉडी जितनी हो सके उतना इसको स्ट्रेट रखें और थोड़ा सा पेन होगा इसको करने में तो आप अगर इसके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे जिससे कि आप ये इक्विपमेंट आराम से परचेज़ कर सकें, ठीक है। 10 बार इसको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। इस तरह का इक्विपमेंट आज की डेट में पार्क्स वगैरह में भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा तो आप इसको पार्क में भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज रहेगी आपकी शोल्डर मूवमेंट को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्वाडमैन एक्सरसाइज। इसको पेंडुलम एक्सरसाइज भी बोला जाता है। हाथ पे आपको एक वेट कफ लगा के हाथ को एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे आपको मूव करना है। सेकेंड मूवमेंट जो है हाथ को आपको इनवर्ड और आउटवर्ड अंदर और बाहर की तरफ आपको एक पेंडुलम की तरह इसको मूव करना है, ठीक है।
थर्ड एक्सरसाइज जो क्वाडमैन एक्सरसाइज है, उसमें आपको एक सर्कल बनाना है अंदर की तरफ, और फिर सर्कल आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है। तो इस तरह के एक्सरसाइज करने से अगर आपको कभी भी पेन हो रहा है तो आपके शोल्डर का पेन काफ़ी कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को टोटल आपको अंदर बाहर ऊपर नीचे 3 मिनट तक करना है। इस तरीके से आप एक बॉल को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने स्विस बॉल को यूज़ किया है। इस एक्सरसाइज को प्रोप्रोसेप्टिव एक्सरसाइज भी बोला जाता है। फ्रंट वेज और साइड वेज दोनों तरीके से इसको आप प्रेस कर